तो गाइस आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि जो हमारा इकोनॉमी शॉप होता है, इस इकोनॉमी शॉप को आप एडिट कैसे कर सकते हो। मतलब कि इसके अंदर जो भी आइटम्स है इसका प्राइस कम ज्यादा, या फिर आपको जो आइटम इसमें से नहीं चाहिए उसको डिलीट कैसे कर सकते हो, या फिर इसमें जो आइटम नहीं है उसको एड कैसे कर सकते हो, या फिर आपको जैसे ये अलग अलग सेक्शन है जिसके अंदर बहुत सारे आइटम है तो आप खुद का एक अलग सेक्शन कैसे क्रिएट करके उसके अंदर खुद के ओपीओपी आइटम्स कैसे एड कर सकते हो, ये मैं आपको शॉप के बारे में बताऊंगा। इसके अलावा मैं आपको और भी मस्त मस्त चीज बताऊंगा, जैसे कि आप किसी भी आइटम में कस्टम नेम कैसे लगा सकते हो, और तो और कोई कस्टम इंचांटमेंट वगैरह लगाना हो तो वो भी आप बस कमांड के थ्रू इजीली कैसे लगा सकते हो। आज मैं आपको काफी मस्त मस्त कंटेंट बताने वाला हूँ, तो वीडियो को पूरा देखना। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना एंड बेल आइकन भी दबा लेना। चलिए टाइम पास ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेट्स गो। तो देखो गाइस, आपको सबसे पहले जो अटेंडेंस के सर्वर पे आ जाना है और उसके बाद आपको बस एक प्लगइन डालना है जिसका नाम है आइटम एडिट। आइटम एडिट लिखोगे ना तो आपको एक प्लगइन आएगा आइटम एडिट, ये वाला एक दो आएगा, एक आइटम टैग बोल के और एक आइटम एडिट बोल के। तो ये वाला जो दिखेगा आइटम एडिट 1.8x 1.20x, तो इसका लेटेस्ट वर्जन को आपको क्लिक करके डाल देना है। और अगर आपको इकोनॉमी शॉप भी आपने अभी तक नहीं बनाया है, कैसे बनाते आपको जानना है, तो उसके लिए मेरे आई बटन में आपको वीडियो का लिंक मिल जाएगा, वो देखो और उसमें और जो जो प्लगइन बोला हूं वो सब डाल के एक इकोनॉमी शॉप पहले क्रिएट कर लो, उसके बाद ये वीडियो देखना। तो इकोनॉमी शॉप बनाने के बाद बस आपको ये एक प्लगइन डालना है, उसके बाद आपको सर्वर पे जाना है और सर्वर को रिस्टार्ट कर लेना है। तो फटाफट सर्वर को रिस्टार्ट होने देते हैं, फिर मिलते हैं। तब तक आप लोग वीडियो को लाइक करो, आज के वीडियो का लाइक गोल है 200 लाइक। अगर आप लोग 200 लाइक का गोल कंप्लीट करोगे तो मेरे को बहुत खुशी होगी और मैं नेक्स्ट वीडियो और भी मस्त कंटेंट के साथ लाऊंगा, तो 200 लाइक जरूर करना। तो गाइस जैसे कि आप लोग देख पा रहे हो सर्वर स्टार्ट हो चुका है, उसके बाद बस आपको गेम पे क्लिक करके गेम के अंदर जाना है और अपने वाले सर्वर को ज्वाइन करना है। और सर्वर ज्वाइन करने के बाद लॉग इन कर लो। जब लॉग इन हो जाए तो ये देखो जो हमारा शॉप है, इस शॉप में बहुत सारे आप आयरन वगैरह डायमंड वगैरह खरीद सकते हो, पर आप हमारे पास इस शॉप के अंदर आर्मर वगैरह नहीं है, आर्मर हम डायरेक्ट नहीं खरीद सकते, स्वॉर्ड वगैरह डायरेक्ट नहीं खरीद सकते, तो वो हम कस्टम इसमें ऐड करेंगे, बट वो भी नॉर्मल नहीं, बहुत ओपीओपी इंचांटमेंट के साथ, वो भी अलग अलग नेम से, जैसे बेसिक आर्मर करेंगे, प्रो आर्मर करेंगे, बेसिक स्वॉर्ड करेंगे, प्रो स्वॉर्ड करेंगे, तो कैसे करना वो देखते हैं, ठीक। तो उसके लिए सबसे पहले आपको ऑपरेटर होकर क्रिएटिव होना है और उसके बाद आपको यहाँ से पहले एक तो ये बेसिक स्वॉर्ड के लिए डायमंड ले लो और प्रो स्वॉर्ड के लिए नेदरराइट स्वॉर्ड ले लो, ठीक। और भी आपको जो जो आइटम लेना होगा ले लेना, मैं बस आपको सिखाने के लिए बस दो आइटम ले रहा हूँ, ठीक। वैसे ही आप बेसिक आर्मर के लिए एक बार डायमंड का सारा आर्मर ले लो और एक तो नेदरराइट का भी सारा आर्मर इधर में ले लो, ठीक। तो हमने नेदरराइट का भी सारा आर्मर ले लिया, डायमंड का भी और डायमंड का नेदरराइट का स्वॉर्ड भी ले लिया, ठीक। अब हमें इसका कस्टम नेम करना है, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, पहले जिस आइटम का नेम चेंज करना है उस आइटम पे आपको ले जाके लिखना है। जैसे कि मेरा डायमंड स्वॉर्ड का नाम चेंज करूंगा तो उस पे मैं अपना उसको हाथ में ले लूंगा, ठीक। उसके बाद आपको टाइप करना है स्लैश IE लिख के स्पेस देना है और आपको RE रीनेम लिखना है, रीनेम। अब उसके बाद अब इसका नाम जो देना है वो नाम दे दो, तो मैं इसका नाम दे देता हूँ NANL, ये कलर कोड है। उसके बाद हम इसका नाम लिखेंगे Epic Sword, SWORD Epic Sword लिख के इंटर कर दूंगा, ठीक। तो आप देखो अब ये नेदरराइट स्वॉर्ड है, बट इसमें मैं जाऊंगा तो लिख के आ रहा है Epic Sword, ये तो बस डायमंड स्वॉर्ड है, तो इसका एपिक नाम क्यों है, क्योंकि इसमें हम लोग एपिक इंचांटमेंट लगाने वाले हैं। तो उसके लिए फिर इसको हाथ में पकड़ करके आपको लिखना है IE स्मॉल में लिख लो और उसके बाद स्पेस देके इंचांट लिखो, इंचांट ये लिख के आपको फिर स्पेस देना है। अब आपको जो भी इंचांटमेंट इसमें लगाना है वो एक एक करके लगाना है, तो हमें सबसे पहले मेंडिंग लगाना है, तो मेंडिंग लिख के इंटर कर दो तो इसके अंदर मेंडिंग लग जाएगा। अब मैं आपको दिखाऊं तो ये देखो इसके अंदर मेंडिंग लग चुका है, ठीक। वैसे इसको हाथ में लेके हम दूसरा लगाएंगे, जैसे कि नॉकबैक लगा देते हैं, नॉकबैक लगा दिए। नॉकबैक कितना लेवल का होता है वो पता नहीं, बट आप इसमें अनलिमिटेड नंबर का दे सकते हो, तो मैं इसका 50 लेवल कर देता हूं नॉकबैक का, ठीक। तो इंटर कर दिया तो आप देखो इसके अंदर 50 लेवल का नॉकबैक भी लग चुका है। जैसे कि मैं आपको दिखा दूं, ये देखो नॉकबैक इंचांटमेंट लिखा है, लगा है जिसका लेवल 50 है। आप 50, 500, 5000 जितना चाहो उतना लेवल का लगा सकते हो, आई थिंक। तो मैंने नॉकबैक भी इतना लगा दिया, बाकी अब इतना मत भी लगाना, कम भी लगाना, इतना लगाना कि एक एपिक स्वॉर्ड बन जाए, ठीक। मैं बस सिखाने के लिए आपको मस्त मस्त लगा के दिखा रहा हूं, ओके। उसके बाद फिर इसको हाथ में आपको पकड़ना है और फिर आपको वही वाला कमर लगा के नॉकबैक तक काट देना है। और अब आपको इसके अंदर लूटिंग का लगा देना है, लूटिंग, और लूटिंग भी आपको लगा दो 999 लगा दो, ठीक, 999
99 लगा दिया। अब आप इसमें चेक करोगे ना, आई थिंक 99 नहीं लगा होगा। देखो 255 लेवल तक हाईएस्ट लगता है, मैंने बोला 5,000 नहीं लगेगा। किसी भी इंचांटमेंट का हाईएस्ट लेवल 255 तक आप इसमें लगा सकते हो, जितना लेवल रियल में होता ही नहीं है, पर आप कस्टम उतना लेवल तक लगा सकते हो इस प्लगइन के कारण से आइटम एडिट। वाओ, उसके बाद बस एक लास्ट चीज में लगा दो जो कि शार्पनेस का होता है, तो यहाँ पे लगा दो शार्पनेस। लास्ट शार्पनेस भी 255 का लगा दो, 999 लिख दो, जितना हाईएस्ट होगा उतना लग जाएगा। तो ये हमारा एपिक स्वॉर्ड बन चुका है, जिसके अंदर मेंडिंग है, लूटिंग 255 लेवल है, शार्पनेस 255 लेवल है और नॉकबैक 50 लेवल है। ठीक, इसी के साथ आप समझ लो हमें नेदरराइट को भी इंचांट करना है और नेम चेंज करना है। तो फिर अब हम नेदरराइट को हाथ में पकड़ लेते हैं और उसके बाद हम लिखेंगे रीनेम वाला कमांड, आई रीनेम एन ए एन एल, और वो एपिक स्वॉर्ड था तो ये प्रो स्वॉर्ड होगा। ठीक, अब और भी कोई ओपीओपी नाम आता हो तो लिख सकते हो, मैं एपिक और प्रो लिख दिया हूं, इंटर कर दिया। तो अब देखो ये हो गया एपिक स्वॉर्ड और ये हो गया प्रो स्वॉर्ड नेम चेंज। ओके, अब इसमें हमें वही इंचांटमेंट लगाना है, तो हम फिर वही वाले इंचांटमेंट दोबारा लगा देते हैं। ये हो गया मेंडिंग लग गया इसके अंदर, और उसके बाद यहाँ पे शार्पनेस लग गया, और उसके बाद यहाँ पे लूटिंग लग गया, और एक नॉकबैक बाकी है। ठीक, तो यहाँ पे नॉकबैक भी लग गया। तो ये देखो हमारा इसके अंदर भी नॉकबैक वगैरह लग चुका है और इसके अंदर भी, तो ये दोनों हमारा तैयार है। बट हम अब क्या करेंगे, हेलमेट का भी नाम चेंज करेंगे पहले और उसमें भी इंचांटमेंट वगैरह लगाएंगे। ठीक, तो देखो गाइस मैंने क्या क्या इंचांटमेंट लगाया, जैसे कि ये मैंने लगाया ब्लास्ट का प्रोटेक्शन 10 लेवल का लगा दिया, मेंडिंग लगाया प्रोटेक्शन 10 लेवल लगाया दिया, थ्रोन्स का भी 10 लेवल का, मैंने सब में सेम इंचांटमेंट लगा दिया। बस ये प्रो इसलिए है क्योंकि ये नेदरराइट है, ये बेसिक इसलिए है क्योंकि डायमंड है, और ऐसे हम लोग ने स्वॉर्ड के साथ भी कर दिया है। ठीक, इंचांटमेंट सब में सेम है, बस डायमंड और नेदरराइट का अंतर है, बाकी आप कुछ अपने हिसाब से जो चाहो वो कर सकते हो। इसमें कम इंचांटमेंट, इसमें ज्यादा भी लगा सकते हो, आपकी मर्जी, आप जैसे एडिट करना चाहो वैसे कर सकते हो। और मैं बता दूं आपको, अगर आप यहाँ पे लिखते हो आई लिख स्पेस दोगे तो ये देखो आपको इतने सारे ऑप्शन आएंगे, आप यहाँ से बहुत कुछ चेंज कर सकते हो। बट मैं आपको बस आज मेनली बताऊंगा इंचांटमेंट और नेम का, जो कि मैंने बता दिया है। बाकी आप यहाँ से अमाउंट बहुत कुछ है, बैनर, कलर, कंपास, बहुत कुछ आप एक एक करके चेक करोगे ना, तो आप बहुत कुछ यहाँ से चेंज कर सकते हो, और उसको आप कस्टम चेंज करके सेव भी कर सकते हो, जो कि काफी ज्यादा ओपी है। और मैं आपको ये बता दूं, अनब्रेकेबल, समझ लो आपका कोई भी आइटम है, जैसे कि ये समझ लो मेरे को ये स्वॉर्ड है, मेरे को इसको अनब्रेकेबल बनाना है, इसको कोई तोड़ ही नहीं पाए, तो इसके लिए बस मेरे को एक कमांड डालना है, स्लैश आई स्पेस अनब्रेकेबल स्पेस टू टी आर यू टू लिख के इंटर कर दूंगा, तो ये जो मेरा स्वॉर्ड है ना, ये मेरा अनब्रेकेबल हो चुका है। देखो नीचे लिखा है अनब्रेकेबल, इसको कोई भी नहीं तोड़ पाएगा, मतलब आप इसको कितना भी यूज करो ये कभी टूटेगा नहीं, इसका कभी भी खत्म ही नहीं होगा, ये अनब्रेकेबल है। ऐसे आप किसी भी आइटम को अनब्रेकेबल बनाना चाहो तो उसके लिए बस आप यही वाला कमांड डालो, स्लैश उसको हाथ में पकड़ के स्लैश आई अनब्रेकेबल लिख के टू लिख दो, तो वो अनब्रेकेबल हो जाएगा, और इसको फॉल्स कर दो तो ये अनब्रेकेबल से हट भी जाएगा। जैसे कि मैंने इसको फॉल्स कर दिया, तो आप ये देखो ये अनब्रेकेबल अब नहीं दिखेगा, आप देखो इसमें अनब्रेकेबल नहीं दिख रहा, वो हट चुका है। तो अगर आपको भी कोई आइटम अनब्रेकेबल बनाना हो तो आप उसको भी बना के अपने शॉप में ऐड कर सकते हो, पर मैं नहीं कर रहा हूं, आपको करना हो तो कर लेना, मैंने बता दिया। ओके, बस आप ऐसे कि अपने आइटम को कस्टम चेंज कर लेना, और अब मैं आपको बताता हूं कि आप इसको शॉप को कैसे एडिट करोगे और शॉप में कैसे डालोगे। समझ लो ये जो आइटम्स हमने बनाए, ये आइटम तो शॉप में ऑलरेडी है नहीं, तो हम इसको पूरा नया ही ऐड करना पड़ेगा। बट समझ लो कुछ कुछ आइटम जो है हमारे माइनक्राफ्ट के शॉप में ऑलरेडी होता है, बट वो इस शॉप में नहीं है। जैसे आप एपिक में जाओगे तो यहाँ पे देखो गोल्डन एप्पल, आप लिखो तो गोल्डन एप्पल होता है, बट आप इस शॉप के अंदर या फूड में जाओ तो यहाँ पे गोल्डन एप्पल नहीं है। तो आप समझ लो आपको फूड में गोल्डन एप्पल को ऐड करना है, और इधर में प्राइस देख लो आप लोग सब प्राइस खाने का प्राइस कमी है, तो आप गोल्डन एप्पल ऐड करोगे तो उसको $100 में कर देना और उसको सेलिंग प्राइस $70 कर देना। ठीक, तो उसको करने के लिए आपको क्या करना होगा, उसके लिए आपको लिखना होगा स्लैश एडिट शॉप एड आइटम स्पेस, आपको कौन से सेक्शन में आइटम को ऐड करना है, तो हम फूड का खाना ऐड कर रहे हैं तो फूड वाले आइटम में करना है, तो फूड का सेक्शन सिलेक्ट करके स्पेस देना है। फिर आपको अब क्या ऐड करना है, तो हमें गोल्डन एप्पल ऐड करना है, तो हम लिखेंगे GOL गोल्डन लिखेंगे, तो ये देखो गोल्डन जीओ गोल्ड, मतलब इसी स्पेलिंग से जो जो ऑप्शन सामान है सब आ जाएगा, तो हमें ये गोल्डन एप्पल है इसको सिलेक्ट करेंगे, फिर स्पेस देंगे। अब आपको इसको कितने में खरीदना है, मतलब बाय वाला प्राइस कितना होना चाहिए, तो हम इसको $100 बाय प्राइस, मतलब लोग इसको खरीदेंगे तो $100 में खरीदेंगे, और अगर उनको बेचना है तो $70, मतलब एक स्पेस देके 70 लिख दो, तो वो हो गया सेलिंग प्राइस, 100 हो गया बाइंग प्राइस, और ये हो गया क्या आपको ऐड करना है उसका नाम, और ये सेक्शन का नाम, और ये कमांड लिख के इंटर कर दिया। फिर मैं लिखूंगा एस रीलोड, स्लैश एस रीलोड लिख के इंटर करूंगा, तो ये हमारा चेंज हो गया। अब अगर हम शॉप पे क्लिक करेंगे और फूड में जाएंगे तो ये जो हमारा गोल्डन एप्पल दिख रहा है, जिसका बाय प्राइस है $100 और सेलिंग प्राइस है $70, पर समझ लो बाय प्राइस ज्यादा है, आपको प्राइस भी कम ज्यादा करना है, तो आप किसी भी आइटम का प्राइस कम ज्यादा कैसे कर सकते हो वो भी दिखा देता हूँ। गोल्डन एप्पल का ही समझ लो प्राइस $100 है, तो उसका $50 कर देता हूँ और सेलिंग प्राइस को $30 कर देता हूँ, तो समझ लो आपको
किसी भी आइटम का प्राइस कम ज्यादा करना है तो वो कैसे करना है, उसके लिए आपको लिख पहले तो ये देख लो आप स्लैश एडिट शॉप लिखोगे ना, एडिट शॉप इंटर, तो आपको इससे रिलेटेड जो जो कमांड होते हैं वो आपको दिख जाएगा। तो आप यहाँ पे भी देख देख के यूज कर सकते हो, जैसे यहाँ पे देखो एड आइटम वाला लिखा है, एडिट शॉप एड आइटम, फिर आपको सेक्शन कौन से सेक्शन में डालना है वो लिखना है, फिर कौन सा आइटम डालना है वो लिखना है, फिर बाय प्राइस, फिर सेल प्राइस लिख के इंटर करोगे तो एड हो जाएगा। वैसे एडिट करना है तो आपको देखो यहाँ पे लिखा है स्लैश एडिट शॉप स्पेस एडिट आइटम, फिर सेक्शन, फिर आइटम, फिर एक्शन, आपको नहीं समझ आएगा मैं करके दिखाता हूँ ठीक। स्लैश एडिट शॉप आपको पहले लिखना है, किसी भी सामान का प्राइस कम ज्यादा करना है तो आपको लिखना है स्लैश एडिट शॉप स्पेस एडिट आइटम स्पेस, और आपको कौन से सेक्शन का आइटम को चेंज करना है, मतलब उसका प्राइस वगैरह कम करना है कौन से आइटम को। तो हमें फूड के सेक्शन का आया एप्पल को करना है, एप्पल जो कि फूड के सेक्शन में, तो फूड सिलेक्ट करेंगे, फिर स्पेस देंगे। अब आपको ये देखो ये जो पेज नंबर, यहाँ पे आइटम का नाम नहीं आएगा, आपको आएगा यहाँ पे आइटम्स का नंबर, तो ये नंबर किसका कौन सा नंबर है ये देखने के लिए आपको बैक जाना होगा और शॉप पे क्लिक करके फूड पे क्लिक करो। तो ये देखो इस पे आप क्लिक करोगे ना गोल्डन एप्पल पे, तो एकदम नीचे में देखो लिखा है सेक्शन फूड इंडेक्स, तो जो इंडेक्स में नंबर लिखा ना वो इस आइटम का नंबर है, जिसका नंबर है पेज नंबर पेज 1.item.22। तो हमें 22 स्लॉट वाले आइटम को के प्राइस वगैरह को चेंज करना है ठीक। तो उसके लिए हमें फिर कमांड में वही कमांड लगाना होगा, एडिट शॉप स्लैश एडिट आइटम स्लैश फूड स्पेस, अब हमें 22 नंबर को सिलेक्ट करना है ठीक। तो ये देखो पेज 1.item.22 दिखेगा, तो इसको सिलेक्ट करके स्पेस देंगे। अब इसमें आपको क्या करना है, ऐड करना है, रिमूव करना है या सेट करना है, तो हमें प्राइस सेट करना है, तो हम सेट पे क्लिक करेंगे, फिर स्पेस करेंगे। तो अब आपको क्या सेट करना है, बाय आर्मर मीनू कलर डिस्प्ले रोड डिस्प्ले नेम, अब यहाँ से भी डिस्प्ले नेम चेंज कर सकते हो, जैसे गोल्डन एप्पल का कुछ और नाम लिखा है तो अब यहाँ से उसका नेम भी कस्टम चेंज कर सकते हो। बट अगर समझ लो बाय चेंज करना है तो आपको लिखना होगा बाय, हमें बाय मतलब बाय अमाउंट को कम करना है, तो हम लिखेंगे बाय स्पेस, अब कितना मतलब मैं आपको बाय करना है, तो हम 100 था तो हम 50 कर दिए। तो आपको ये लिखना है एडिट शॉप एडिट आइटम फूड पेज 1.22 सेट बाय और कितना अमाउंट, तो 50, तो इंटर कर दिया। तो अब इस पे फिर रीलोड करना होगा, इंटर करके फिर मैं एस रीलोड लिखूंगा, एस रीलोड, तो अब मेरा चेंज हो गया। अब अगर मैं शॉप पे जाऊंगा, फिर फूड पे जाऊंगा और एप्पल पे देखूंगा, तो आप देखो बाय का प्राइस हो चुका है $50 बट सेलिंग प्राइस अभी भी $70 है। तो फिर आपको वही वाले कमांड को दोबारा लाना है और यहाँ पे जो बाय लिखे थे यहाँ पे आप लिख दो सेल, ये देखो सेल का ऑप्शन है, सेल लिखे इंटर कर दो और आप लिख दो $30। तो बाय प्राइस पहले सेट करना है $50, उसके बाद आपको सेल प्राइस सेट करना है अलग से ठीक। तो फिर हम रीलोड कर दो, एस रीलोड इंटर, तो ये हो गया हमारा सेट। अब आप शॉप पे क्लिक करके फूड में जाओगे और उसके बाद इस पे देखोगे तो बाय प्राइस $50 हो चुका है और सेलिंग प्राइस $30। ओके, तो ऐसे आप किसी भी आइटम को प्राइस को कम ज्यादा अपने हिसाब से चेंज कर सकते हो और उसको डिलीट भी करना है तो वो कैसे करते हो वो भी मैं बता देता हूँ। जैसे कि मैंने एप्पल ऐड किया उसको ही डिलीट करके दिखा देता हूँ ठीक। तो डिलीट करने के लिए बस आपको लिखना है स्लैश एडिट शॉप स्पेस डिलीट आइटम डिलीट आई, देखो अगर समझ लो ये मैं आपको बता दूं, इस पे आप क्लिक करोगे ना तो ये जो आपको दिख रहा है ना ये इसको कहते हैं सेक्शन, मतलब ये है वर्क स्टेशन का सेक्शन, ये है ओट्स का सेक्शन, ये है फूड का सेक्शन, समझ लो आपको किसी सेक्शन को ही डिलीट करना है तो आपको लिखना होगा स्लैश एडिट शॉप डिलीट सेक्शन और फिर डिलीट सेक्शन लिख के स्पेस दोगे तो आपको सारा सेक्शन दिखेगा, जिसको भी डिलीट करना है फूड लिख के इंटर कर दोगे तो आपका फूड वाला सेक्शन डिलीट हो जाएगा। बट मेरे को डिलीट नहीं करना है, सेक्शन जो है सही है, हमें डिलीट आइटम करना है, तो हम लिखेंगे डिलीट आइटम, तो डिलीट आइटम लिख के स्पेस दोगे तो कौन से सेक्शन के आइटम को डिलीट करना है, तो हमें फूड के सेक्शन को आइटम को डिलीट करना है, तो हम फूड सिलेक्ट किए फिर स्पेस दिए। अब आपको कौन वही जो इंडेक्स मैंने बताया था, तो आपको कौन से इंडेक्स नंबर को डिलीट करना है, तो हमारा 22 नंबर था गोल्डन एप्पल का, तो हमें गोल्डन एप्पल के $22 आइटम नंबर को डिलीट करना है, तो ये नंबर सिलेक्ट करके बस इंटर कर दो और उसके बाद स्पेस देकर रीलोड कर दो, एस रीलोड इंटर कर दो, तो आपका जो भी आप आइटम डिलीट करना चाहोगे वो आइटम डिलीट हो जाएगा। जैसे कि मैंने गोल्डन एप्पल डिलीट किया तो देखो गोल्डन एप्पल डिलीट हो गया। तो अब आप अपने शॉप में कोई भी आइटम को ऐड करना डिलीट करना और उसके प्राइस को कम ज्यादा करना आप सीख चुके हो। अब हम बात करेंगे हम खुद का कस्टम सेक्शन कैसे बनाए। जैसे कि यहाँ पे हमें आर्मर के लिए कोई सेक्शन नहीं है, स्वॉर्ड वगैरह के वेपन्स के लिए कोई सेक्शन नहीं है, तो हम खुद का एक सेक्शन कैसे क्रिएट करें और उस सेक्शन के अंदर हम अपने ये ओपी आइटम्स को जो खुद हमने कस्टम बनाए उसको कैसे ऐड करें। तो पहले आपको सेक्शन क्रिएट करना होगा, उसके लिए मैं आपको ये बता दूं, ये जो है ना ये स्लॉट नंबर है, जैसे कि ये 0 नंबर है, ये 1 2 3 4 5 6 ऐसे ये स्लॉट नंबर होता है, ये याद रखना है। तो आपको हम क्या करेंगे, हम दो चीज ऐड करेंगे, 0 नंबर पे आर्मर और ये कौन सा नंबर है देखते हैं 1 1 2 3 4 5 6 7 8 और 8 नंबर पे हम वीपन करेंगे ठीक। यहाँ पे वीपन यहाँ पे आर्मर ओके। तो पहले सेक्शन क्रिएट करने के लिए आपको क्या लिखना होगा स्लैश एडिट शॉप स्पेस, अब आपको लिखना होगा एड सेक्शन लिख के पेज दो और अब देखो यहाँ पे ऑलरेडी ऑप्शन आ जाएगा आर्मर
आर्मर का, कस्टम आइटम का, फायर वर्क का, स्टोन का, वुड का। तो हमें आर्मर ऑलरेडी यहाँ पे ऑप्शन है, तो आर्मर सिलेक्ट कर लो, फिर स्पेस दो, और अब आपको आर्मर में जो लोगो होगा, जो आर्मर का लोगो मतलब सेक्शन में हर एक चीज का एक लोगो दिख रहा ना कि वो एक कोई भी सामान का लोगो, उस पर आप क्लिक करो तो आपको आर्मर का जो सेक्शन होगा वो किस लोगो में दिखना चाहिए। तो हम इसके लिए एक चेज प्लेट लगा देते, डायमंड चेज प्लेट लगा देते हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे डायमंड, तो ये देखो डायमंड आ गया, डायमंड डायमंड का ये चेज प्लेट का ऑप्शन है, इसको सिलेक्ट कर लिए, या फिर आपको कुछ और लगाना हो तो आप उसका नाम लिख के सिलेक्ट कर लेना, ठीक। फिर हमने डायमंड चेज प्लेट लिख के फिर स्पेस दोगे, और आपको जो आर्मर है वो किस नाम से लिख के आएगा आपके सेक्शन में वो आपको सेट करना है। तो हम थोड़ा कलर में डालते हैं NANL, ग्रीन का मोटा कलर हमने डाल दिया है। अब उसके बाद हम लिख देंगे कैपिटल में आर्मर्स, ओके आर्मर्स लिख के अब हम दोबारा स्पेस देंगे, और अब आपको कौन से स्लॉट नंबर पे आपको इसको डालना है वो लिखना है। तो यहाँ पे आपको बहुत ऑप्शन मिलेगा, बट जीरो नहीं मिलेगा, बट हमें जीरो में डालना है, तो हम यहाँ पे जीरो लिख के इंटर कर देंगे। तो अब बस एक बार फिर आपको स्लैश एस रिलोड लिखना होगा, एस रिलोड और इंटर। अब आप अगर शॉप पे क्लिक करोगे तो ये देखो हमारा आर्मर डायमंड का चेज प्लेट यहाँ पे दिख रहा है, जो कि हमने डाला था, और इसका नाम है आर्मर्स, और इस पे क्लिक करोगे तो अभी आपको कुछ भी नहीं दिखेगा, ये कस्टम आइटम आ जाता है। एग्जांपल पावर स्टिक, इसको डिलीट करने के कैसे करना वो आपको पता ही है, नहीं पता तो मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक। तो मतलब वहाँ पे एक कस्टम आइटम है, उसको हमें डिलीट करना, तो उसके लिए लिखना है स्लैश एडिट शॉप स्पेस डिलीट आइटम स्पेस, अब आपने देखो आर्मर क्रिएट किया था तो आर्मर यहाँ पे दिख रहा है, आर्मर स्पेस, अब इसमें देखो ये एग्जांपल वाला जो था रैंडम वो सामान का नाम ये है, तो ये लिख के इंटर कर दिया, तो वो फिर अब रीलोड करना होगा, तो ऐसे रीलोड डाल दिया तो अब वो डिलीट हो गया होगा। अब मैं आर्मर पे जाऊंगा तो देखो एक भी सामान नहीं, सब डिलीट है। अब आपको यहाँ पे अपना कस्टम सामान डालना है, बट जो हमने सामान ऐड किया था तो वहाँ पे गोल्डन एपर हमने लिखा था तो ऐड हुआ था, पर ये जो हमने कस्टम बनाया है इसका तो माइनक्राफ्ट में कोई नाम ही नहीं, ये नाम तो हमने दिया है, तो इस सामान को कैसे ऐड करोगे, तो इसको ऐड करने के लिए आपको लिखना होगा स्लैश एडिट शॉप स्पेस, अब आपको लिखना है ऐड आइटम नहीं, अब आपको लिखना है ऐड हैंड आइटम, ठीक। तो ये देखो हमने, और उससे पहले मैं आपको बता दूं, जो भी आपको आइटम को डालना है उस आइटम को हाथ में पकड़ लेना है, जैसे मेरे को हेलमेट को डालना है, तो हेलमेट को डाल के आपको लिखना है एडिट शॉप स्पेस ऐड हैंड आइटम, ऐड हैंड आइटम मतलब हाथ में जो सामान है वो ऐड होगा, ठीक। फिर आपको स्पेस देना है, तो किस में डालना है, तो हमें आर्मर के सेक्शन में डालना है, तो आर्मर, फिर स्पेस, अब आपको इसका प्राइस क्या डालना है, जो हेलमेट है इसका कितने में लोग खरीदेंगे, तो भाई इतना एन्चेंटमेंट ओपी है और डायमंड का है, तो इसका हम डाल प्राइस डालते हैं $10,000, ठीक, $10,000, और लोग इसको खरीदेंगे $10,000 में, पर उनके पास ऑलरेडी है तो वो बेचेंगे कितना में, तो $10,000 में खरीद ले तो $7,000 में बेचेंगे, ठीक। तो हम फिर स्पेस देके लिख देंगे $7,000, फिर हम इंटर कर देंगे, तो ये ऐड हो गया, बस आपको एक बार एस रीलोड लिखना होगा, एस रीलोड लिख के इंटर कर दो, ये सामान ऐड हो गया। अब अगर आप शॉप पे क्लिक करोगे, आर्मर में जाओगे, तो ये देखो हमारा सामान ऐड हो चुका है, इसका बाय प्राइस है $10,000, सेलिंग प्राइस है $7,000, और इसके अंदर ब्लास्ट प्रोटेक्शन जो जो आपने डाला था वो दिख रहा, और इसका जो आपने नेम डाला था बेसिक आर्मर वो नेम भी दिख रहा, ओके। तो ये आपका कस्टम आइटम ऐड हो चुका है, तो ऐसे ही बस आपको ये बेसिक चेस्ट प्लेट डालना है, तो बस वही वाला कमांड लगाओ और इसको इंटर करके फिर रीलोड कर दो, तो ये भी हमारा ऐसे ऐड हो गया, देखो ये भी ऐड हो गया $10,000 में। अगर आपको प्राइस कम ज्यादा करना है तो आप वो जो कमांड ला रहे हो इसका प्राइस ज्यादा कम ज्यादा भी कर सकते हो, जैसे उसका 10 था तो आप इसका 12,000 में खरीदने वाला प्राइस डालोगे, और यहाँ पे 9,000 में बेचने वाला डालना चाहते हो तो ये भी कर सकते हो, आपकी मर्जी। तो इंटर करके फिर आप रीलोड कर दो, तो ये ऑलरेडी ये ऐड हो गया, ठीक। अब इस पे आप क्लिक करोगे तो ये देखो दो दिखेगा, बट आपको ये वाला डिलीट करना होगा, मैंने उसी को ये अलग से ऐड कर दिया, तो इसको आप डिलीट कर दो, ठीक। डिलीट करने के लिए आपको ऑलरेडी पता ही है, आपको लिखना है एडिट शॉप डिलीट आइटम स्पेस, कौन से सेक्शन में, तो आर्मर, फिर कौन से आइटम को है, तो ये 2 ये 3, तो हम 3 वाला को डिलीट करते हैं, क्योंकि लाइन बाय लाइन है तो सेम अमाउंट में लाइन बाय लाइन लगते हैं। आपको अगर 2 वाले को करना है, मतलब आपको कम 10,000 वाले को करना है तो 2 को डिलीट करो, 12,000 वाले को करना है तो 3 को, तो मेरे को 12 वाले को ही लिख के डिलीट कर दिया और फिर रीलोड कर दिया यहाँ पे, तो ये हमारा डिलीट हो गया, बस 2 आइटम दिखेगा दोनों सेम अमाउंट का, ठीक। तो ये डिलीट भी हो गया, ओके। तो ऐसे ही आपको जो जो आइटम को डालना है वो आपको यहाँ पे वही वाले कमांड को लगाओ, 12,000 नहीं मेरे को 10,000 में ही सब आइटम को डालना है, तो 10,000 डालो, इंटर करो, फिर रीलोड कर दो, तो ये आइटम ऐड हो गया, फिर आप इसको हाथ में पकड़ लो, और फिर आपको इसको डालना है, फिर आपको इसको रीलोड कर देना है, ये भी ऐड हो गया, फिर आपको प्रो आर्मर को भी डालना है, तो प्रो आर्मर का थोड़ा दाम हम लोग बढ़ाएंगे, ये 10,000 है तो प्रो आर्मर $15,000 कर देते हैं डायरेक्ट, ठीक। $15,000 में खरीदेंगे और 12,000 में बेचेंगे, ठीक, 12,000 में बेचेंगे, इंटर कर दिया और फिर इसको रीलोड कर दो, तो ये भी ऐड हो गया, फिर ऐसे 12 सबका सेम अमाउंट डाल के अब इनको ऐड करते रहो, ठीक। अब आप शॉप पे देखोगे तो सारा आर्मर ऐड हो चुका है, ये देखो यहाँ पे बेसिक आर्मर में ये सारे आर्मर है, प्रो आर्मर में ये सारे आर्मर है $15,000 में, ठीक। हमने सारे आर्मर डाल दिया, और भी आपको अलग अलग आर्मर बनाना है तो आप अलग अलग आर्मर अलग अलग एन्चेंटमेंट के साथ कस्टम क्रिएट करो और उसको अलग अलग प्राइजेस में यहाँ पे ऐड करते जाओ, ऐड होते जाएगा, ठीक। जैसे बहुत
ऐड होगा तो पेज टू भी क्रिएट हो जाएगा, आप जितना ऐड करोगे उतना ऐड होते जाएगा। ओके तो आर्मर हो गया, आप स्वॉर्ड के लिए एक अलग सेक्शन बनाना है, तो सेक्शन के लिए बनाने के लिए फिर आपको वही कमांड डालना होगा, एडिट शॉप स्पेस ऐड सेक्शन स्पेस। और देखो अब यहाँ पे हमें इतने ही ऑप्शन है, यहाँ पे कस्टम आइटम्स है, तो हम यहाँ पे एक काम करेंगे, हम कस्टम आइटम सिलेक्ट कर लेते हैं, इसका नेम हम वहाँ पे दिखाने के लिए अलग कर देंगे, पर आप यहाँ पे कस्टम आइटम सिलेक्ट कर लो, जो कि आपको नाम डालना है वो अलग होगा। ठीक, कस्टम आइटम सिलेक्ट करके स्पेस दो, और अब आपको इसका लोगो क्या डालना है, तो हम स्वॉर्ड वगैरह वीपन वगैरह डालेंगे, तो हम कोई वीपन का ये लोगो डाल देते हैं। ठीक, तो हम यहाँ पे गोल्डन स्वॉर्ड डाल देते हैं। ठीक, तो ये देखो गोल्डन स्वॉर्ड है, यहाँ पे गोल्डन स्वॉर्ड सिलेक्ट करके स्पेस दो, और इसके अब क्या आपको नाम वहाँ पे शॉप में दिखाना है वो नाम लिखना है आपको, तो एन ए एन एल, और हम इसका नाम डालेंगे वीपन्स। ठीक, तो ये हो गया वीपन्स, लिख के स्पेस दो, और आपको कौन से नंबर पे जाना है, तो 8 नंबर पे हमने उस टाइम देखा था, 8 नंबर पे वो कॉर्नर पड़ेगा, तो हम 8 नंबर यहाँ से सिलेक्ट करेंगे, या फिर लिख भी सकते हो, और फिर इंटर कर दो, और फिर आप एक बार रीलोड कर दो, एस रीलोड इंटर। अब आप शॉप पे क्लिक करोगे तो ये देखो यहाँ पे हमें गोल्डन स्वॉर्ड का बन चुका है, आज हमने गोल्डन डायमंड स्वॉर्ड यहाँ पे लिखना था, हमने गोल्डन स्वॉर्ड कर दिया। ठीक, तो यहाँ वीपन पे, और देखो हमने कस्टम आइटम सिलेक्ट किया था, पर यहाँ पे वीपन लिख के आ रहा, क्योंकि हमने नेम के जगह एंड एंड एल वीपन डाला था, पर समझ लो यहाँ पे आपने गलती से गोल्डन डाल दिया, पर यहाँ पे आपको आइटम यहाँ पे एडिट करके आपको आइटम डालना है, तो आप सेक्शन को एडिट कैसे करोगे वो भी बता देता हूँ। ठीक, आपको लिखना होगा एडिट शॉप स्लैश एडिट शॉप स्पेस एडिट सेक्शन, आपको स्लैश एडिट शॉप स्पेस एडिट सेक्शन स्पेस, कौन से सेक्शन को हमें एडिट करना है, तो हमने नाम जो डाला था वो नहीं, हमने कस्टम आइटम सिलेक्ट किया था, तो आपको कस्टम आइटम ही सिलेक्ट करना है, तो ये कस्टम आइटम सिलेक्ट करके स्पेस दो, और उसके बाद अब आपको क्या करना है, तो हमें सेट करना है। ठीक, सेट स्पेस, क्या सेट करना है वो आप देखो यहाँ पे। ठीक, तो हमें आइटम का जो मेटेरियल है सामान है वो चेंज करना है, सेट करना है, तो ये क्लिक करके स्पेस दो, फिर आपको यहाँ पे लिखो डायमंड स्वॉर्ड। ठीक, हमने गोल्डन स्वॉर्ड उस टाइम लिख दिया था, अब डायमंड यहाँ पे देखो डायमंड स्वॉर्ड है, लिख के स्पेस दो, और स्पेस भी नहीं देना, बट डायमंड स्वॉर्ड लिख के इंटर कर दो, और फिर एक बार रीलोड कर दो, ये हो गया, अब चेंज हो गया होगा, इस पे क्लिक करो, देखो अब यहाँ पे डायमंड स्वॉर्ड दिखने लगा है। ठीक, आपको अगर कोई आइटम का यहाँ पे जो आइटम दिख रहा है वो आइटम चेंज भी करना है, तो इस कमांड ऐसे कमांड डाल के उसको चेंज भी कर सकते हो। ठीक, अब इसके अंदर बस हमें अपने स्वॉर्ड को डालना है, तो ये स्वॉर्ड को हम यहाँ पे हाथ में पकड़ने के लिए यहाँ से सॉरी पहले इसको हटाते हैं, हम इस स्वॉर्ड को पहले यहाँ पे रख देते हैं, और अब जो स्वॉर्ड को आपको डालना है, तो हमें पहले एपिक स्वॉर्ड को डालना है, तो एपिक स्वॉर्ड को हाथ में पकड़ के आपको ये वाला कमांड लगाना है स्लैश एडिट शॉप हैंड आइटम, और आर्मर को हटाना है स्लैश एडिट शॉप एड हैंड आइटम स्पेस कस्टम आइटम्स स्टे स्पेस, कितना प्राइस में आपको इसको भेजना है, तो ये बेसिक है, तो 12,000 में खरीदेंगे और 9,000 में बेचेंगे। ठीक, लिख के इंटर कर दिया, फिर इसको रीलोड भी कर देते हैं, रीलोड। ऐसे हमें प्रो स्वॉर्ड को भी डालना है, तो सेम वही करेंगे, कस्टम आइटम सब रहने देना है, और फिर आपको इसका प्राइस में लिखना है, वो 12,000 है, तो इसका 17,000 में खरीदेंगे और 14,000 में बेचेंगे। ठीक, लिख के इंटर कर दिया, फिर मैंने इसको भी रीलोड कर दिया, तो आप देखो शॉप के अंदर हम जाएंगे और इस पे क्लिक करेंगे, तो ये देखो हमारा स्वॉर्ड भी ऐड हो चुका है, प्रो स्वॉर्ड एंड एपिक स्वॉर्ड, इसका दाम है 12,000 प्राइस और इसका दाम है 17,000 प्राइस। ठीक, तो अब इतना होने के बाद हमारे पास जो भी सामान है, पहले हम इन सबको निकाल के यहाँ से हटा देते हैं, तो ये हमारा इन्वेंट्री खाली हो गया, उसके बाद हम सर्वाइवर में हो जाते हैं। ठीक, और हम थोड़ा खुद को पैसे देते हैं, जैसे कि प्लस इको स्पेस गिव स्पेस संजीत गेमिंग वाईटी स्पेस, हम खुद को $1,00,000 दे देते हैं। ठीक, तो इतना मेरे पास पैसे हो गए, अमाउंट न्यू इतना। ठीक, लीडर बोर्ड में भी आप लोग देख पा रहे हो, स्पोर्ट बोर्ड में। ओके, तो हम लोग इसको टेस्टिंग करते हैं कि हम खरीद पा रहे हैं कि नहीं सामान, और भेज पा रहे हैं कि नहीं। ठीक, तो हम बस डीओपीपी हो जाते हैं, डीओपी स्पेस संजीव गेमिंग वाईटी इंटर। अब हम जाएंगे शॉप पे, इंटर करेंगे, हमें आर्मर खरीदना है तो आर्मर में जाएंगे, हमें समझ लो एक ही बार प्रो आर्मर खरीदना है, तो हम प्रो आर्मर में बाय करने के लिए आपको लेफ्ट क्लिक करना है, और सेल करने के लिए राइट क्लिक, हमें बाय करना है तो हम करेंगे लेफ्ट क्लिक, और अब हमें एक ठो खरीदना है, अगर आपको दो तीन खरीदना है तो आप यहाँ से ऐड भी कर सकते हो, पर हमें एक ही खरीदना है, तो हम यहाँ पे एक रखेंगे और क्लिक टू परचेज पे करेंगे, तो हमारा $15,000 कट गया और हमें मिल चुका है ये प्रो आर्मर, और मैं डीओपी प्लेयर हूँ, आप लोग देख रहे हो। ठीक, वैसे ही हमें और भी जो जो खरीदना है, बस यहाँ पे जाएंगे, इस पे क्लिक करेंगे, इसको भी परचेज कर लिए, फिर बैग, फिर हमें ये दो दो हमने ऐड कर दिया, सॉरी यहाँ पे दो दो प्लेट कर दिया, आपको डिलीट करने आता है ये डिलीट कर देना। ठीक, हमें पैंट खरीदना है, पैंट पे जाएंगे, इसको भी परचेज, फिर हमें शूज खरीदना है, शूज पे जाएंगे, ये भी परचेज, अब हम फिर बैग जाएंगे, फिर बैग जाएंगे, हमें स्वॉर्ड भी खरीदना है, तो हम यहाँ से भी इस वाले स्वॉर्ड को खरीद के खरीद लिए। ठीक, तो हमारे पास ये सब चीज हो चुका है, अब हम यहाँ पे बस यहाँ पे जाएंगे और खुद को पहना देंगे। ठीक, और ये अपना हाथ में पकड़ लेंगे, तो ये हमारा इंचांटमेंट आर्मर एंड स्वॉर्ड हमने खरीद के उसको पहन लिया, जिसमें काफी मजबूत इंचांटमेंट है, आप लोग देख ही पा रहे हो इतने ओपी इंचांटमेंट है, और आप चाहो तो इसको अनब्रेकेबल तक बना सकते हो। तो आज आपको मैंने आइटम को कैसे कस्टम एडिट नेम वगैरह इंचांटमेंट वगैरह, और भी अगर आप यहाँ पे स्लैश आई
आई लिख के स्पेस देखोगे ना तो आपको बहुत सारे ऑप्शन में डीओपी इसलिए नहीं आ रहा, आप ऑपरेटर बन के देखोगे बहुत ऑप्शन दिखेगा जिसमें आप बहुत कुछ चेंजेस कर सकते हो हर एक आइटम का। यहाँ तक आप जो हेलमेट पहने हो तो हेलमेट दिख रहा है ना, आप उस हेलमेट को हाइड कर सकते हो, आप हेलमेट पहने रहोगे पर वो हेलमेट दिखेगा नहीं, आपका सब सिर्फ आपका जो स्किन है वो स्किन दिखेगा। तो बहुत ओपी ओपी आइटम्स हैं जो कि काफी काम के हैं, हेल्पफुल है, जिसको देख के आपको काफी मजा आने वाला है। तो बस जाओ ट्राई करो एंड एंजॉय करो। और आपको शॉप में भी कैसे प्राइस वगैरह एडिट करना है, कैसे आइटम्स ऐड करने हैं, कैसे आइटम्स को डिलीट करना है, कैसे सेक्शन क्रिएट करना है, कैसे सेक्शन को एडिट करना है, कैसे सेक्शन को डिलीट करना है, सब कुछ आज के वीडियो में मैंने बता दिया। तो आई होप आज का ये वीडियो आपको काम आया हो, आपको पसंद भी आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करो, और चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लो, क्योंकि आप लोगों के लिए इतने मस्त मस्त कंटेंट ला रहा हूं, तो प्लीज सपोर्ट दिखाओ। और आज का लाइक हो रहा है 200 लाइक, जिसको प्लीज कंप्लीट कर देना। एंड अभी के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू सो मच, लव यू एंड बाय बाय।